अपने घर छोड़ के चले गए हैं। और भाई कैसे हैं? ओके सो गाइस, हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब? आज का व्लॉग बहुत ही सीरियस व्लॉग होने वाला है। कोई भी ट्रैवल व्लॉग या फिर कोई मस्ती वाला व्लॉग नहीं है। अभी सुबह के 3 बज चुके हैं और मेरे को सडनली व्लॉग करना पड़ रहा है, क्योंकि तुम्हें पता है आज है सैटरडे नाइट, मतलब पिछले कल था, अभी तो संडे हो गया है। क्यों है? तो फिर पूरे दिन कंटिन्यूसली रेनफॉल होने के कारण ना मेरा घर जो है वो रिवर के बहुत ही ज़्यादा करीब है, मतलब उतना करीब नहीं पर है, काफ़ी करीब है। तो फिर पानी का फ्लो बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है और थोड़ा सा डेंजर है कि फ्लड भी आ सकता है। और तो अभी सडनली मैं इसलिए उठ कि हमारे घर के बाहर बहुत सारे पड़ोसी जमा हो गए थे, उन्होंने बोला कि डेंजर हो सकता है, बी अलर्ट, अलर्ट रहो सब। तो फिर मेरे बड़े भाई ने मुझे उठाया और बोला कि भाई उठ जा, देख के आते। फिर भाई देखने गया था बाहर कि क्या सीन है, क्या चल रहा है, रिवर का फ्लो कैसा है। तो डेंजर है बट अभी उतना टॉप ऑफ द लेवल पे नहीं पहुंचा है वो। अगर होगा ऐसा तो पड़ोसी हमको पहले ही इन्फॉर्म कर देंगे। तो अब हम सोचेंगे कहीं सेफ स्पॉट पर जाने की। फ़िलहाल अभी भी बहुत ज़्यादा रिवर की आवाज़ आ रही है और है ना भाई, रिवर की बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है। फ़िलहाल मैं तुम्हें एक बात बता दूँ, और आज थी सैटरडे नाइट, तो हम सब पूरे सुबह से शाम तक कंटिन्यूसली बारिश होने के कारण हम सब ने डिसाइड किया कि हम कोई मस्ती नहीं मार पाए, तो हम आज नाइट आउट पार्टी करें। तो फिलहाल मेरे साथ है आदि और सुमित। सुमित पानी चढ़ गया सारा, मम्मी क्योंकि सुबह बाहर बहुत ही बुरा हाल हो चुका है और क्या बोलते, बाहर बहुत सारे पड़ोसी जमा हो चुके, तुमने जैसे देखा। और सुमित अभी अपने घर के है, अपने मम्मी और अपने छोटे भाई को सेफ करने और उनको कहीं सेफ स्पॉट पे भेजेगा। और आज मुझे लग नहीं रहा आज हम सोने वाले हैं, सबसे पहले हम थोड़े चेंज कर लेते हैं। भाई अभी हाफ बाजू में ही था इसलिए मैंने बोला फुल स्लीव्स डाल, अब फुल स्लीव के क्लोथ्स डाले गए। सो गाइस टाइम टू चेंज, मैं हुडी लगा रहा हूँ क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है और कभी भी निकलना पड़ सकता है। हुडी का सीन ऐसा ना कि ये प्रोटेक्ट करेगा मुझे रेन से भी विदाउट एनी अम्ब्रेला। भाई ठीक है, रेडी सुमित पूरा भीग चुका है और फिलहाल ठंड लग रही से कुछ बढ़िया जैसे रेड वाले हाँ दे दे स्वेटशर्ट दे दे इस वाले खोल सुमित। गाइस बाहर बहुत ही बुरा हाल है और सारे पड़ोसी जमा हो गए हैं और अगर ज़्यादा डेंजर हो तो हमें भी यहाँ से निकलना पड़ेगा। और बारिश आएगी ना पूरा हो जाएगा पूरा, और बहुत ही मुश्किल हो गया। सुमित ने तो अभी अपनी फैमिली रेस्क्यू की, वह ग्रे बॉय बहुत बढ़िया है सुमित। तो फिर अब टाइम है, अगर ज़्यादा डेंजर हो तो हमें भी निकलना पड़ेगा यहाँ से। चल चलो बाहर चल के बाहर सब लोग, मैं अपना ही फ़ोन ले लेता हूँ, मेरा फ़ोन अंदर ही और मैं ब्लॉग बाइक के फोन से कर रहा हूँ। गाइस आदि ने अपने घर फोन किया, क्या बोल रहे फोन उठा अभी हमारे इनके वहाँ नहीं है ना इतना मेरा नहीं है तब भी क्या बोलना चाहेगा, पानी ज़्यादा ही बढ़ गया है, ज़्यादा बढ़ गया तो कुछ भी हो सकता है, हमें निकलना पड़ेगा यहाँ से। उनके पास फुल बैटरी नहीं होगी, मेरे जैसा फोन नहीं है उनके पास जो कि पूरे पर दिन चला। पानी क्या बढ़ी जा रहा है, बढ़ी जा रहा है सुनी जा कर रहे आदि हम तेरे घर। ओके सो गाइस हम जा रहे आदि के घर, आदि के घर में चेक करने जा रहे हैं कुछ गड़बड़ ना हुई हो। आदि सारा मेरे को मजा नहीं आ रहा है, वापिस चलते नहीं फिर भी यार मेरे को सही फीलिंग नहीं आ रही, ज़्यादा ही बढ़ गया पानी। भाई वापिस चल रहा है, मेरे को नहीं आ रहा मज़ा।
सही फील नहीं आ रही मेरे को ये वापसी से। बाकी बहुत बढ़िया रहा मनी है रहा, आगे जाना सही डिसीजन नहीं होगा रहा। फिलहाल हम अभी जा रहे हैं आदि के घर चेक करने, और रोड तुम देखो तो पूरा भर चुका है। कैसा लगना चाहिए जगह पे, ऐसा लगे गोवा बीच में आ गया। इस सड़कों में पानी भर चुका, तो सोचो वहाँ पे क्या हाल होगा। चलो चलो चलो। हाँ जॉनी कैसी ने भाई, पानी भर गया मेरे खुद के घर के अंदर पानी भर गया। चल 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 ठीक है ठीक है, मिलते हैं भाई, ठीक है बाय बाय बाय। हाँ ठीक है भाई, ओके तू भी ध्यान रखे भाई। ओके सो गाइस, जैसे कि तुम देख सकते हो हालत बहुत ही खराब हो चुकी है। क्या बोलता है दी, हालत गैस बहुत ही खराब हो चुकी मतलब है। मतलब कि ऐसा क्या हो गया, मतलब कि साढ़े तीन, मतलब कितने टाइम कितना रहा होगा मैं देख के बताता हूँ, साढ़े तीन हो गए है और पूरा पूरा जितना भी हमारा कॉलोनी है वो पूरा जग चुका है। और फिलहाल अभी हम कोई लोग कहीं ना कहीं भाग रहे हैं। पर हम अभी आदि के घर गए थे चेक करने की सब कुछ ऑल राइट है कि नहीं, तो वहाँ पर सब कुछ हॉल ओके है। मतलब ऐसा लग रहा है कि सड़कों पर भी मतलब कि नदी चल पड़ी है। तो अब हम जा रहे हैं मेरे घर की तरफ, तो चलते हैं एंड देखते हैं। हाँ गाइस एक बात और मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, भाई मुझे पकड़े फिसलने लो। एक बात मैं तुम्हें और बताना चाहता हूँ, मैं ज़्यादा ब्लॉग नहीं बनाऊंगा अब क्योंकि बैटरी बहुत कम है और लाइट का कोई भी भरोसा नहीं, कब जैसा है क्यों अभी। तो जितना हो सके मैं थोड़ा थोड़ा करके दिखाऊंगा तुम्हें क्या चल रहा है क्या सीन है, क्योंकि इनके पास आईफोन हमारे सस्ते फोन है। ठीक है जैसे कि तुम सब देख सकते हो हम चारों बंदे बैठे अभी घर के अंदर और हमने छोटा सा लैंप बनाया है। ट्रिक देखो क्या आजमाई हमने, बॉटल रखी फ्लैश के ऊपर क्योंकि हम नहीं चाहते ज्यादा लोगों को पता लगे हम घर के अंदर है। सब बाहर घूमे और हम घर के अंदर बैठ के चिल मार रहे हैं, चिल मार रहे। इसका मतलब ये नहीं हमें डर नहीं लग रहा है, डर आपने काला पाया ना तो कुछ दिख रहा नहीं, मुंह दिख रहा है, मुंह दिख रहा है, मुंह दिख रहा है, मुंह तो दिखना चाहिए, मेन मुंह है। सो गाइस बहुत ही बुरा हाल हो चुका है, हम चारों अभी आज के फिलहाल घर के अंदर और क्या बोलते बाहर बहुत ही कहर मच चुका है, सारे लोग निकल चुके हैं घर से बाहर। और फिलहाल ऐसा का मतलब ये नहीं कि हम अंदर आगे तो बाहर ध्यान ही रख रहे, बाहर भी जा रहे हैं पूरा ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि अगर कभी भी बहुत ज़्यादा फ्लो आया तो हमें निकलना पड़ेगा पड़ेगा सच में। क्या बोलना चाहेगा, टाइटैनिक देखिए वो हाल हो जाएगा। तू क्या बोलना चाहेगा सुमित? मेरा तो पहले ही है डूबा हुआ, सुमित का घर तो पहले डूब गया है बेचारा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन तभी हम इसके साथ है। मेरे ये खुशी की बात है कि मेरे दोस्त सारे हेल्प करे मेरी, इसलिए ओके सो गाइस गुड मॉर्निंग आप सभी को। और अभी सुबह के बज रहे 7 और अभी अभी लाइट आई थी थोड़ी देर पहले, तो मैंने सोचा क्यों ना फोन चार्ज कर दिया जाए। और फिलहाल मेरे साथ है सुमित, सुमित और मेरा बड़ा भाई और आदि सो गए हैं। और अब हम जा रहे हैं बाहर, बाहर बहुत ही बुरा हाल है, बाहर तो बहुत ही ज़्यादा फ्लड आ चुका है और रिवर बहुत ही ऊपर ऊपर तक आ चुकी है भाई। बोलो गाइस, बाहर बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो चुका है, बहुत मतलब कि घरों में पानी घुस चुका है, लोगों का रहना मुश्किल हो चुका है और मलबे भी आ गए हैं, एक आंटी जी का तो पूरा घर ही दब गया है। और अभी देखते हैं बाहर जाके क्या है क्या नहीं है। चलो बाहर चलते हैं और मैं यूँ दिखाता हूँ कि बाहर क्या बुरा हाल हो चुका है। लेट्स गो। जैसा कि तुम सब देख सकते हो पानी कितना बढ़ चुका है, यहाँ तक आ गया है और रिवर इतनी दूर है, तो रिवर के सामने हम जा नहीं सकते क्योंकि रिवर के सामने गए तो रिवर के सामने हम जा नहीं सकते क्यों, यहाँ इसे दूर से देख लो तो मैं तुम्हें दूर से दिखा रहा हूँ कितना फ्लो बढ़ चुका है। तो फिलहाल अभी हम जाते हैं घर की तरफ, है ना, थोड़ा देर में रेस्ट करते, चलो घर चलते वापस। घर छोड़ के चले गए कैसे,
देखो गाइस, मैं स्पेशल तुम्हें दिखाने आया था कि रिवर का क्या हाल है, और साथ में ये डॉग भी मेरे साथ है। जब भी मैं कभी बाहर निकलता हूँ ना, ये हमेशा मेरा पीछा करता है, बिकॉज मैं इसे खाना खुना देता हूँ ना कभी कभी तो ये मेरे साथ ही होता है। ओके सो गाइस, फिलहाल अभी चली चाय पार्टी। तो क्या बोलता है, बढ़िया चाय पर चीनी कम है। चीनी कम है। और हमारे दादाजी भी आ चुके हैं। दादा कैसे है, कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ बोलो भी रही क्या बोलना चाहोगे बोलो बोलो, कुछ कैसे लग रहा है आपको? बुरा हाल है पहाड़ में। हाँ सही, यार डूबने वाला काम हो रहा है। ओके सो गाइस, फिलहाल अभी बन रहा है ब्रेकफास्ट, और पूरे रात भर जागे हम, और बिल्कुल बिना रश किए कंटिन्यूसली इधर उधर जा रहे हैं, लोगों को हेल्प कर रहे हैं, और दादाजी भी घर आ चुके हैं, और फिलहाल अभी हम बना रहे हैं चिकन। हाँ ठंड है और दादाजी को चिकन खाना है। हाँ हाँ सच बोलो, आज बन रहा है चिकन, ठंड के मौसम में चिकन का मज़ा ही कुछ और है। पर गाइस अभी भी यहाँ पे इतना खतरा बना हुआ है, और पानी बढ़ता ही जा रहा है थोड़े थोड़े देर बाद, और बंदे जो हमारे पड़ोसी लोग हैं वो तो भाग रहे और बोल रहे कि तुम भी यहाँ से चले जाओ, पर हम सोच रहे कि हम बहुत ही दिक्कत की बात हो रही है, पूरे नलकों वगैरह में पानी लिया और पानी भी बंद हो चुका है, और बोला ये बोल भी रहे हैं कि मतलब कि लास्ट के नहीं बची है, इसी से गुजारा करना पड़ेगा, फिर तो दुकान से खरीदना पड़ेगा, बिस्लरी लेना पड़ेगा। तो फिलहाल अभी हम ब्रेकफास्ट बनाते हैं, फिर आगे कुछ होगा तो हम सबको बताते हैं। क्या मजे लगे बाहर, बाहर तबाही हो रही है, तुम अंदर मजे कर रहे? यहाँ तबाही हो रही है यहाँ हम तबाही कर रहे हैं, यहाँ मेरी तबाही हो रही है, राजा की तबाही हो रही है। ओके सो गाइस, हालत बहुत ही ख़राब हो चुकी है, सब लोग यहाँ से चले गए और सब लोग अपने घर का सामान शिफ्ट कर रहे हैं, हमने भी आधा सामान शिफ्ट कर दिया घर का, और अभी सोच रहे हैं अगर जैसे थोड़ा और पानी पड़ेगा बाकी सब यहाँ से हम बिल्कुल खाली कर देंगे घर, और फिर देखते हैं हम दूसरी जगह रुकेंगे कहीं जहाँ पे सेफ स्पॉट होगा। बहुत ही बुरा हाल हो रहा है, मैं ज़्यादा बोल नहीं सकता, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता कि अभी हमारे साथ क्या हो रहा है, ये कैसी सिचुएशन है। क्यों भाई गाइस, जिस तरह हमने सोचा भी नहीं था ना, उससे भी बहुत ज़्यादा डबल हो चुका है। रात को कुछ इतना क्रिटिकल नहीं था, आस्ते आस्ते ना बहुत बहुत सीरियस हो रहा है मैटर बहुत ज़्यादा। तो गाइस अब हम कर रहे हैं हमारा घर खाली, जितने भी एसेंशियल थिंग्स है जैसे कपड़े क्लोथ्स और बाकी सामान तो अभी रखा ही हमने, बाकी किचन का सामान अभी फिलहाल किचन में रखा है। करो पैकअप करो फटाफट, सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है, मेरे घर में ऑलमोस्ट पानी आने वाला है, तो हम लोग सोच रहे हैं यहाँ से निकले। क्या बोलते हैं, निकलना पड़ेगा वरना तो यहाँ पे पूरा उतर लग। सिचुएशन बहुत ही ख़राब हो चुकी है, और मैं आया हूँ अपने घर चाय बनाने, क्योंकि बाहर बहुत ही ज़्यादा ठंड है, और ठंड से बहुत ही बुरा हाल हो गया है, मतलब मेरा मुझे कुछ नहीं, अगर मुझे ठंड लग रही तो इट्स ओके, बट दादाजी को भी बहुत ठंड लग रही, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि उनके लिए चाय बना के ले जा रहा हूँ मैं, ताकि उनको थोड़ा ठीक लगे, उन्हें भी ठंड लग रही बहुत, तुम्हें पता है बुज़ुर्गों को तो बहुत ठंड लगती है, और मैं तुम्हें बताऊँ मुझे बहुत ही अजीब सी इरीटेशन फील हो रही है, क्योंकि पहले कभी मैंने ऐसा कभी फेस किया नहीं है, और कल रात से हम सोए भी नहीं और रेस्टलेस है एकदम, और मेरे पास कोई शब्द नहीं, अल्फाज नहीं, मतलब मैं कैसे बताऊँ कि इस टाइम मैं कैसा फील कर रहा हूँ, मेरा नहीं, सब बंदे बहुत सफ़र कर रहे हैं, कोई कोई बंदे तो पानी से हाथ उड़ गए, किसी की गाड़ी बह गई, किसी के घर बह गए, और ज़्यादा क्या बोलूँ मैं, और मुझे नहीं पता कि मैं ब्लॉग कब अपलोड करूँ, क्योंकि वाईफाई भी ऑफ है, क्योंकि लाइट कहीं भी नहीं है, तो फिर जितना हो सकता है मैं तुम्हें दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मैं तुम बीच बीच में मिलता रहूँगा पहले। ओके सो गाइस, थोड़ा सा रिलीफ मिला हमें, बारिश थोड़ी सी कम हुई है, बट रिवर फ्लो उतना ही है, और फिलहाल अभी हम यहाँ पर बाहर आए हैं खाने का कुछ बंदोबस्त करने, और मैं फिर से तुम्हें एक बात और बोलना चाहता हूँ, मुझे पता नहीं मैं कब तक ब्लॉग करने वाला हूँ, क्योंकि मेरे फ़ोन की बैटरी बहुत ही जल्द डेड होने वाली है। सुमित क्या बोलना चाहेगा, है सुमित
अच्छा कॉल पे लगा है सुमित, क्या बनना चाहेगा भाई? क्या बनना चाहेगा? क्या बोले? कुछ आ रहा है? क्या वो बोल आ रहा है? क्या फील हो रहा है तेरे को? वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। जैसा कि तुम सब देख सकते हो, हम यहाँ पर आए चुपके से पानी लेने। हम यहाँ से चुपके से पानी ले जा रहे हैं क्योंकि जहाँ पर हम रह रहे हैं वहाँ पे पानी का कोई भी सोर्स नहीं है, पानी अवेलेबल ही नहीं है और शॉप्स भी सारी क्लोज है, तो इसीलिए बहुत मुश्किल हो रहा है। पानी खाना बनाने के लिए भी और पीने के लिए भी चाहिए। और मुझे पता कैसे फील आ रही है कि मैं सरवाइव कर रहा हूँ, जैसे मैन वर्सेस वाइल्ड सरवाइव सीरीज चली हुई है यहाँ पे। ओके सो गाइस, जैसे तुम सब देख सकते हो डिनर की तैयारी चली हुई है और रिवर का जो फ्लो है थोड़ा डाउन हो गया अब, लेकिन परेशानी डाउन हो गया तो इसका मतलब ये नहीं कि रिस्क फ्री है। हम फिर भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा, हमने हमारे घर का पूरा सामान शिफ्ट कर लिया दूसरे घर में। तो फिर ज़्यादा ना बोलते हुए मैं तो बोलता हूँ कि आगे भी अगर कुछ रहा, अभी तो मामला भी रिस्क फ्री है लेकिन उतना रिस्क फ्री नहीं है। अगर सही रहा सब कुछ तो फिर कल सुबह मैं तुमसे फिर से मिलूँगा। रात को मैं ज़्यादा ब्लॉग नहीं करूँगा, तो गुड नाइट, मिलते सुबह, बाय बाय।